राम राम सारे भाई। है ना, आज मेरा 75 पार चैलेंज का 27वां दिन। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर आधा लीटर गर्म पानी पिया और उसके बाद फ्रेश होकर मैं चल दिया जिम में। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल पर 10 मिनट की मैंने रनिंग, उसके बाद मैंने मारे 100 सपाटे, 100 मारी मैंने डंड। आज मैं शोल्डर का वर्कआउट करूंगा। सबसे पहले मैंने शोल्डर का पहला वर्कआउट किया सीटेड फ्रंट प्रेस 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने शोल्डर का दूसरा वर्कआउट किया डंबल फ्रंट रेजिज 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने शोल्डर का तीसरा वर्कआउट किया अर्नोल्ड प्रेस 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने लास्ट शोल्डर का वर्कआउट किया शोल्डर सर्ग मशीन से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने किया लोअर बैक का वर्कआउट 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैं आया जिम से घर घर पर आकर मैंने नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद फिर मैं गया कॉलेज में। कॉलेज से घर आकर मैंने थोड़ी देर की पढ़ाई, उसके बाद फिर मैं गया शाम का वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने मारे 100 सपाटे, 100 मारी मैंने डंड, उसके बाद किया मैंने 10 मिनट प्लैंक एब्स वर्कआउट, उसके बाद क्रंचीज एब्स वर्कआउट किया मैंने 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने किया लेग रेज 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद फिर मैं शाम हो गया रनिंग करने के लिए। आज मैंने 15 से 20 मिनट की मैंने रनिंग। रनिंग करने के बाद मैं आया घर पर। घर पर आकर मैंने हाथ धोकर खाना खाकर उसके बाद मैंने पढ़ी श्रीमद् भगवद् गीता। आज हमने गीता में सीखा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि जीवन आपको ज्यादातर वक्त हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। उसके बाद फिर किया 15 टास्क कंप्लीट। ये रही आज की सेल्फी। आज के हमारे सभी टास्क कंप्लीट। बोलो जय सियाराम।